नमस्कार आज हम बात करेंगे कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई के ब्राइडी हाउस ब्रांच में ग्यारह हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया इस फ्रॉड में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया उसका नाम है बायर्स क्रेडिट तो पहले बायर्स क्रेडिट क्या होता है इसे समझते हैं बायर्स क्रेडिट मतलब इम्पोर्ट यानी आयात कर रहे सामान का पेमेंट करने के लिए किसी बैंक की फॉरन ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चलो तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं मान लीजिए कि आपका डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है और दूसरी कंट्रीज़ के सप्लायर से आप डायमंड्स इंपोर्ट यानी आयात करते हो नाउ सप्लायर्स को पे करने के लिए इंपोर्टर्स यूजुअली बार्स क्रेडिट लेते हैं दैट इज किसी बैंक के विदेशी ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं अब इंपोर्टर्स सप्लायर को पे करने के लिए बार्स क्रेडिट क्यों लेते हैं इसे समझते हैं इंटरनेशनल डीलिंग्स यानी इंटरनेशनल कारोबार में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कई बार एक दूसरे को जानते नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं तो अगर सप्लायर ने सामान भेज दिया है पर इम्पोर्टर ने पैसे ही नहीं दिए तो या इम्पोर्टर ने पेमेंट कर दिया है पर सप्लायर ने सामान ही नहीं भेजा तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यानी ट्रेड को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर बैंकिंग सिस्टम को ट्रेड में शामिल करते हैं तो जब सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिलीवरी देगा तो इम्पोर्टर की बैंक सप्लायर को टाइम पर पे करती है तो इस तरह बायर्स क्रेडिट की वजह से इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है और दूसरा बायर्स क्रेडिट में इंपोर्टर फॉरन बैंक से लोन लेता है इसीलिए इंटरेस्ट रेट यूजली इंडिया में चल रहे इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं नाउ आपने किसी फॉरेन यानी दूसरे देश के सप्लायर को डायमंड के ऑर्डर दी है तो सप्लायर आपको उस ऑर्डर की भेजेगा उस सप्लायर को पे करने के लिए अगर आपको बायर्स क्रेडिट लेना है तो उसके लिए पहले आपको आपकी लोकल बैंक को अप्रोच करना होगा मान लेते कि आपका मुंबई की पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पी में अकाउंट है और बायर्स क्रेडिट के लिए आपने पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पी को अप्रोच किया और पी के ऑफिशियल्स को अपने सप्लायर ने भेजी हुई इन्वॉइस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि हमने फॉरेन के सप्लायर को डायमंड्स की ऑर्डर दी है और सप्लायर को पे करने के लिए हमें बायर्स क्रेडिट चाहिए तो पीएनबी उस पर अपना ड्यू डिलीजेंस करेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेगी और आपका क्रेडिट वर्धिनेस भी चेक करेगी अब मान लीजिए कि आपको बायर्स क्रेडिट के ज़रिए सप्लायर को पे करने के लिए एक करोड़ रुपये चाहिए तो पी आपसे आपके क्रेडिट वर्दिनेस के अनुसार कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कहेगी यानी बैंक के पास कुछ कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए कहेगी क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट करते हो यानी लोन रिपे नहीं करते हो तो ये एक हज़ार करोड़ रुपए पीएनबी को ही इंटरेस्ट के साथ उस फॉरेन बैंक को रिपे करने होंगे तो इम्पोर्टर की बैंक दैट इज़ पीएनबी, एन बी यहाँ पर इम्पोर्टर और किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच के बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम कर रही है और उसके लिए उसे कुछ कमीशन मिलता है आपसे कोलेट्रल लेने के बाद पी एन बी फॉरन की जिस बैंक ब्रांच से आपको लोन चाहिए उसे एल ओ यू दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करेगी एल एक गारंटी होती है जिसके जरिए इम्पोर्टर की बैंक फॉरेन बैंक को यह गारंटी देती है तो, तो इंटरेस्ट इम्पोर्टर की बैंक को उस फॉरन बैंक को रिपे करना होगा तो किसी बैंक की फॉरन ब्रांच इम्पोर्टर की बैंक ने दिए हुए एलओयू के आधार पर इम्पोर्टर को बायर्स क्रेडिट देती है मान लेते हैं कि आप एक्सिस बैंक की हांगकॉन्ग ब्रांच से क्रेडिट लेते हो तो पीएनबी एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओ इशू करेगी और स्विफ्ट के जरिए एक्सिस बैंक की हांगकॉन्ग ब्रांच को आपको एक हजार करोड़ का बायर्स क्रेडिट देने का इंस्ट्रक्शन देगी स्विफ्ट दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक सिक्योर्ड मैसेजिंग नेटवर्क की तरह होता है जिसके जरिए बैंक एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है जिसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है पीएनबी से स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन मिलते ही एक्सिस बैंक की हांगकॉग ब्रांच एक करोड़ का बायर्स क्रेडिट पीएनबी के नोस्टो अकाउंट में ट्रांसफर करेगी इंडियन बैंक का किसी फॉरेन बैंक में जो अकाउंट होता है उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार सामान की डिलीवरी होने पर पीएनबी अपने नोस्ट्रो अकाउंट से वो एक हजार करोड़ रुपए उस सप्लायर को ट्रांसफर करेगी और फिर आपको ये एक हजार करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ तय किए हुए टाइम पीरियड में पीएनबी में डिपॉजिट करने होंगे जिसके बाद पीएनबी वो एक हजार करोड़ रुपए और इंटरेस्ट एक्सिस बैंक के हांगकॉन्ग ब्रांच को ट्रांसफर करेगी तो अगर आप एक हजार करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ रिपे नहीं करते हो तो पीएनबी को ये एक हजार करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ एक्सिस बैंक की ब्रांच को देने होंगे क्योंकि पीएनबी ने एक्सिस बैंक की हांगकॉन्ग ब्रांच को एलओयू इश्यू करके आपके रिपेमेंट की गारंटी दी थी अब पीएनबी और नीरव मोदी के एक्चुअल केस पर आते हैं डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी इंपोर्टिंग के लिए मुंबई के पीएनबी के ब्राडी हाउस ब्रांच में बायर्स क्रेडिट के लिए अप्रोच करता था और पीएनबी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत करके सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए बिना फ्रॉजुलेंटली पीएनबी के उन ऑफिशियल से एक्सिस और अलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को एल इशू करवाता था तो इस तरह पीएनबी के उन दो ऑफिशियल्स ने करीब ग्यारह हजार करोड़ के एल ओ फ्रॉजुलेंट तरीके से इशू किए पी के दो ऑफिशियल्स ने बैंक की प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए फ्रॉजुलेंट तरीके से एलओ इशू किए और नीरव मोदी की कंपनीज के लिए एक्सिस और अलाहाबाद बैंक की हांगकॉन्ग ब्रांच से बायर्स क्रेडिट अरेंज किया जब कोई बैंक एल इशू करती है उस एल की बैंक के कोर बैंकिंग सोलूशन दैट इज सी में एंट्री करनी होती है पर पी के इन दो ऑफिशल्स ने सी पर एंट्री किए बिना एल ओ इशू किए पी के ऑफिशियल्स स्विफ्ट के जरिए एक्सिस और अलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को नीरव मोदी की कंपनीज़ को बायर्स क्रेडिट देने की इंस्ट्रक्शन भेजते थे स्विफ्ट जिसके जरिए बैंक एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है वो यूजुअली सीबीएस से लिंक रहता है पर पीएनबी के केस में स्विफ्ट सीबीएस से लिंक नहीं था और फ्रॉडस्टर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया स्विफ्ट सीबीएस से लिंक न होने की वजह से और एलोयूज की सीबीएस में एंट्री न होने की वजह से पी के कंट्रोलर्स और ऑडिटर्स को इन फ्रॉजुलेंटली इशू किए गए एलओयूज के बारे में पता नहीं चला अभी पिछले महीने यानी जनवरी 2018 में नीरो मोदी की कंपनीज डायमंड आरज सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड ने पीएनबी को बायर्स क्रेडिट अरेंज करने के लिए कहा लेकिन तब उन दो पीएनबी ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी मैनेजर था वो रिटायर हो चुका था और उसकी जगह पर कोई नए डेप्यूटी मैनेजर आए थे तो उस नए बैंक ऑफिशियल ने उन्हें जितनी अमाउंट का बास क्रेडिट चाहिए उतनी कैश बैंक के पास कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए कहा जिस पर नीरव मोदी की कंपनीज ने बैंक ऑफिशियल से कहा कि वो पहले भी पी से बिना कोलेट्रल इस तरह की फैसिलिटी ले चुके हैं तो इसीलिए उन्हें कोलेटरल के बिना बायस क्रेडिट दिया जाए पर पी के उस ऑफिशियल को नीरव मोदी की कंपनीज के उन पुराने एलओ का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और इस पर थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एनबी को इस सारे फ्रॉड के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि यह फ्रॉड 2011 से चालू है और इन बायर्स क्रेडिट का रीपेमेंट नीरव मोदी और उसकी कंपनीज ने नहीं किया है जिसकी लाइबिलिटीएनबी पर आ गई है उसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी उसका भाई निशाल मोदी उसकी वाइफ अमी मोदी और नीरव मोदी के मैटरनल अंकल यानी मामा मेहुल चौकसी जो कि सब इन कंपनीज के पार्टनर्स थे उनके खिलाफ सीबीआई के साथ कंप्लेंट फाइल की इस स्कैम का मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी है जिसका डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और 2017 में फोर्ब्स के अनुसार नीरव मोदी इंडिया का फिफ्टी सेवन्थ रिचेस्ट पर्सन था नीरव मोदी बेल्जियम में पला बढ़ा नीरव मोदी जब उन्नीस बीस साल का था तब उसकी फैमिली ने उसे डायमंड का कारोबार समझने के लिए मुंबई में उसके मामा मेहुल चौकसी के पास भेज दिया जो कि गीतांजलि ग्रुप के ओनर है अपने मामा से डायमंड बिजनेस समझने के बाद 1999 में नीरव मोदी ने फाइव स्टार डायमंड कंपनी शुरू की और कुछ साल बाद अपना खुद का ब्रांड नीरव मोदी लॉन्च किया कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज नीरव मोदी की ज्वेलरी डिजाइन की फैन है प्रियंका चोपड़ा नीरव मोदी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसिडर थी स्कैम एक्सपोज होने के बाद प्रियंका ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है स्कैम एक्सपोज होते ही 14 तारीख को पीएनबी के शेयर प्राइस 10 परसेंट से गिर गई और नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स की प्राइस भी 14 तारीख से लगातार गिर रही है तीन दिन में ही गीतांजलि जेम्स की स्टॉक प्राइस सिक्सटी से थर्टी तक गिरी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 फरवरी को नीरव मोदी के घर ऑफिस और आउटलेट्स ऐसे 17 जगह पर रेड मारकर 5100 करोड़ के एसेट्स जब्त किए हैं पीएनबी ने फाइल की सेकंड कंप्लेंट में गीतांजलि ग्रुप की कंपनीज का भी नाम है जिसके बाद गीतांजलि ग्रुप की कंपनीज के बीस लोकेशंस पर रेड डाली गई सी के अनुसार नीरव मोदी एक जनवरी को ही इंडिया के बाहर चला गया है उसके बाद नीरव का भाई वाइफ और मामा मेहुल चौक से भी इंडिया छोड़कर भाग गए हैं ये पहली बार नहीं है पीएनबी पीएनबी ने कई बार इसी तरह के के फ्रॉड में पैसे हैं। एक अनुसार PNB को पिछले बिजनेस था उसके ओनर ने भी पी का अठारह करोड़ का लोन रिपे नहीं किया था और वो भी इंडिया छोड़कर भाग गया था अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ने करीब 2 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन प्लान लाया जिसके पहले फेज में गवर्नमेंट 88,000 करोड़ रुपए पीएसयू बैंक्स को दे रही है जिसमें से 5,473 करोड़ रुपए पीएनबी को मिलने वाले हैं और टैक्सपेयर के इन पैसों का पीएसयू बैंक्स कैसा उपयोग कर रही है ये तो अपने विजय माल्या स्कैम विंसम स्कैम और इन जैसे अनगिनत स्कैम्स में देखा ही है और अब इस लिस्ट में एक और स्कैम जुड़ गया है नीरव मोदी स्कैम पी के अनुसार ये स्कैम दो से यानी पिछले सात साल से चल रहा था तो क्या पीएनबी को सात साल में एक बार भी इस स्कैम की भनक नहीं लगी अलाहाबाद और एक्सिस बैंक की हॉन्गकांग ब्रांच बायर्स क्रेडिट पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर करती थी तो क्या पीएनबी ने पिछले सात साल में एक बार भी नोस्ट्रो अकाउंट चेक नहीं किया क्या पीएनबी ने पिछले सात साल में एक बार भी स्विफ्ट मैसेजेस का रिकन्सिलेशन नहीं किया ऐसे कई सारे सवाल आज हमारे सामने हैं तो यहाँ पर इस स्कैम के रूट्स बहुत डीप हो सकते हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है तो लेट सी कि इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है आपको इस स्कैम के बारे में क्या लगता है ये भी हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं यहाँ पर आप कह सकते हो कि नीरव मोदी ने पी को नहीं बल्कि देश के आम आदमी को लूटा है क्योंकि पी एक पी बैंक है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता रहता है और हाल ही में काफी ज्यादा मिल रहा है तो लॉस तो हम सारे टैक्स पेयर्स का ही हो रहा है फॉर मोर सच वीडियोज ऑन फाइनेंस सब्सक्राइब टू अवर चैनल फिनोवेशन डॉट कॉम इस स्कैम को कवर करने का सजेशन आप में से ही बहुत सारे दोस्तों ने दिया था तो इस वैल्यूएबल सजेशन के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग